मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद के लिए भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव हेलीकॉप्टर से लहार पहुंचे, जहां लहार विधायक अम्बरीश शर्मा गुड्डू भैया द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर सांसद पद के उम्मीदवार संध्या राय ने मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित कर सरकार की योजनाओं को जनता के सामने पेश करते हुए बड़ी संख्या में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो पहले हमारी सरकार ने एक बार तालियां बजाओ यशस्वी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिनके कारण से हमने बीमारू राज्य से एक सुशासन वाले राज्य के रूप में बदला। और आप चिंता मत करना, कहने मेरी आवाज सुन रही होगी माइक से या हमारी सांसद बहन जी के माध्यम से, मैं खबर कराना चाहूंगा, लाडली लक्ष्मी योजना सहित कोई योजना बंद नहीं होगी। प्रत्येक योजना में सरकार पैसे देती रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। परसों आ रही 5 तारीख और 5 तारीख के दिन उनके खाते में पैसे डलेंगे। एक एक महीना जो हमने कहा था 1250 देने का, वो बराबर 1250 पहुंच रहे हैं। और पहुंचते पहुंचते बहन जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी तो हमने इतनी सारी चीजें हाथ में ली है, जिसकी शुरुआत करी है। आप अंदाज लगा लो, पुराना अपना भिंड हमारे यहाँ अभी नए दौर के नई व्यवस्था में इस सरकार के माध्यम से चंबल पार्वती और कालीसिंध इस योजना के माध्यम से भिंड और चंबल का पूरा भेद लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कितना काम कर रहा है। आपके सहयोग के कारण आज आप सबकी सेवा का अवसर इस बहन को मिला है। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक वोट जो 7 मई को आप वोट डालने वाले हैं, आपका एक वोट हमारे देश की प्रगति को तय करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। आपका वोट ये भी तय करेगा। आपका वोट हमारी जो देश की मातृशक्ति बहने हैं उनको और सशक्त, उनको और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आपका वोट महत्वपूर्ण है।